नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बालासोर रेल हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रेलवे की हाई लेवल टीमें हादसे की जांच में जुटी हैं, लेकिन फिर जांच सीबीआई को क्यों दे दी गई? क्या हादसे में कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिन्हें डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना जरूरी हो गया है? क्या यह हादसा वैसा नहीं है जैसा समझा जा रहा था? क्या बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि एक ट्रेन ने अपने ट्रैक से डीरेल होकर दूसरी पटरियों पर वो छिटक गई और 3 मिनट के अंदर 3 ट्रेनें सदी के सबसे बड़े हादसे का शिकार हो गई? क्या कंट्रोल रूम में कोई एक ऐसा आदमी मौजूद था जिसे टाइमिंग, लोकेशन और सारी ट्रेनों की सिचुएशन पता थी? 3 मिनट में जो हुआ इसे हादसा कहना सही है या साजिश कहना? इस रिपोर्ट को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। क्या सिग्नल फेल हो गया? क्या कोई बड़ी साजिश हुई? क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? क्यों हो रहा है साजिश का शक? क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को छेड़ा गया? क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया? ये शक यूं ही नहीं हुआ है, आशंका खुद रेल मंत्री ने जताई है। ताजी आई थी यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, पर खर्चे उड़ गए हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के। 5 साल में सेफ्टी के लिए जबरदस्त काम किया गया है, फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? पिछले 36 घंटे से रेल मंत्री इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। जो आशंकाएं सामने निकल कर आ रही हैं, वो चौंका रही हैं, बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। जब मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल था तो कोरोमंडल लूप लाइन पर कैसे चली गई? जब कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग के वक्त ही सिग्नल कैसे फेल हो गया? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेल मिनिस्ट्री को जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिला है उसमें तो सब कुछ ओके है, फिर ये हादसा कैसे हो गया? मैं फिर से दोहराऊंगी कि इन्फॉर्मेशन, अब हम उसको एक तरह से उसको एज अ डिटेक्टिव उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया है कि वो ग्राउंड सिचुएशन पूरी ख़त्म हो चुकी है। सारे ट्रैक उखड़ गए हैं, सारे पॉइंट उखड़ गए हैं, सारे केबल उखड़ गए। हमारे पास एक डिजिटल रिकॉर्ड है, हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड है जो कि कोई एरर नहीं दिखाता है इस मूवमेंट में, पर हादसा हुआ है। सो दैट मीन्स कि समथिंग रियली वेंट रॉन्ग। प्रेलिमिनरी वी नो वॉट वेंट रॉन्ग, वॉट पॉसिबली वेंट रॉन्ग, बट एज अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज इट इज अंडर CRS इंक्वायरी, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू शेयर इट, बट जस्ट बी पेशेंट, वी विल बी एबल टू शेयर इट विद यू विद ऑल द डिटेल्स वेरी सून विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेलवे की टीम जांच कर रही है, लेकिन जो बात सबसे बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है वो चौंकाने से ज्यादा डरा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी लूप लाइन पर क्यों गई जहां मालगाड़ी आयरन ओर से लदी थी? आयरन ओर से लदी ट्रेन में जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई, इसीलिए हादसा बड़ा हो गया। क्या जानबूझकर कोरोमंडल एक्सप्रेस को आयरन ओर वाली मालगाड़ी की तरफ भेजा गया? अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई, उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी, 128 KMPH पे, मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी, एंड दी एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये,
अब इस ट्रेन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूंगी। ये ट्रेन है LHB ट्रेन, ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट के वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए। और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी, वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिसफॉर्च्यून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के दो डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी दो डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फेंक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो दो डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई। इशारा बड़ी साजिश की तरफ क्यों है? क्योंकि सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को छेड़ा गया, हो सकता है उसके कॉन्फ़िगरेशन को किसी ने बदला हो। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है और क्यों ये शक गहरा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है, ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, गलती की संभावना न के बराबर रहती है जब तक कि इसमें कोई इंटरनल फॉल्ट न हो या फिर कोई इसके साथ छेड़छाड़ न करे। फेसी हमें कुछ जानकारी पता चली है जिससे कि हमें लगता है कि सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन जैसा मैंने इनको बताया, हम डिटेल आपके साथ तभी शेयर कर पाएंगे जब CRS साहब अपनी इंक्वायरी सबमिट करेंगे। ये अभी एक क्वाजी लीगल प्रोसेस में चला गया है। CRS हैज़ दी पावर्स ऑफ अ जज, एंड जैसा आप जानते हैं किसी भी लीगल केस में इफ़ द मैटर इज सब जुडिस यू कैनॉट डिस्कस द डिटेल्स विद पब्लिक। सीधे सीधे समझ लें तो किसी भी गाड़ी को लूप लाइन में लाने के लिए 3 बटन का मैकेनिज्म होता है और इसी पर इंटरलॉकिंग सिस्टम एक्टिव होता है और ट्रेन लूप लाइन या किसी दूसरी लाइन पर चली जाती है। स्टेशन मास्टर के पैनल पर 3 बटन होते हैं, सिग्नल बटन, रूट बटन, रिवर्स बटन। जब ये तीनों बटन एक साथ दबते हैं तभी ट्रेन लूप लाइन पर जाती है। यहाँ सवाल है कि एक बटन गलती से दब सकता है, 2 बटन गलती से दब सकते हैं, 3 बटन गलती से एक साथ नहीं दब सकते। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि जो डिजिटल डाटा मिला है उसमें तीनों बटन के दबने की बात नहीं कही गई है। पिछले स्टेशन से मेन रूट यानी कि 2 बटन, सिग्नल बटन और रूट बटन दबाए गए थे और मेन रूट को क्लियरेंस मिला हुआ था। कोरोमंडल को मेन रूट से निकल जाना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कोरोमंडल लूप लाइन की ओर चली गई? ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। तो एक ये चीज़ जो बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल लाल था उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो, तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया इससे पहले, उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। रिवर्स पॉइंट जो है, आपको अगर ए रूट में एक, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन में अगर आपको गाड़ी देना है तो ये रिवर्स पॉइंट पहले बना देने का है। रिवर्स करने का है, उसके बाद आपको सिग्नल देने का है, सिग्नल बटन प्लस रूट बटन। तो यही 3 बटन्स में काम है, सिग्नल बटन, हाँ सिग्नल बटन, रूट बटन और रिवर्स पॉइंट। और अगर रूट हमें इंटरलॉकिंग के जरिए चेंज करना है तो पहले हमें रिवर्स, पहले रिवर्स करेंगे, पॉइंट को रिवर्स करेंगे। वो नॉर्मल पॉइंट रहेंगे, लॉकिंग नहीं होता है, ओनली रिवर्स होगा पॉइंट, ओनली पॉइंट रिवर्स होगा, उसके बाद आप सिग्नल देंगे। अगर भी आप सिग्नल को भी देंगे, सुन लीजिए, मेन लाइन है, हम सिग्नल देंगे, अगर भी सिग्नल देंगे तो ये जो है रूट, जो अगर आप नहीं मारेंगे तो फिर भी ये सिग्नल जब रूट मारेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये रूट पकड़ेगा। तो अगर हम आपसे ट्रेन जो एक्सीडेंट हो उसके बारे में जानकारी ना लेते हुए हम अगर लोगों को समझाएं कि ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस, इस रास्ते उसे जाना था, इस रास्ते जाना था उसे, ये जो सिग्नल बटन है वो दबा था उसके लिए, रूट बटन दबा था उसके लिए, लेकिन
वो बिना रिवर्स बटन, बिना रूट बटन के इस रास्ते पर चली आई है। अब सवाल है कि साजिश की आशंका क्यों लग रही है? उसकी वजह है इंटरलॉकिंग सिस्टम का मैकेनिज्म। इंटरलॉकिंग सिस्टम रेलवे में सिग्नल देने वाला सिस्टम है। इंटरलॉकिंग में सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आसान होता है। ईआई सिस्टम एक प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है। फेल होने के मामले में न्यूनतम सिस्टम डाउन टाइम होता है। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि दो लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, और लूप लाइंस होती हैं, तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर, तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज, हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है। तो दो चीजें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्यूपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्यूपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उसे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्यूपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप मतलब ये किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, लेकिन अगर इसको जानने समझने वाले चाहें तो इसके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कुछ इंटरनल फॉल्ट भी हो जाते हैं, इसकी भी एक संभावना है। लेकिन सिग्नल फेल कैसे हुआ, कोरोमंडल लूप लाइन पर कैसे चली गई, हाई लेवल की कमेटी जाँच कर रही है, और ये साजिश है या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट, वो सच भी सामने आ जाएगा। सरकार 288 मौत के जिम्मेदारों को तलाश रही है। उधर इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। कांग्रेस से लेकर पूरा एंटी मोदी मोर्चा मोदी का नया पुराना पन्ना निकाल रहा है। कोई कह रहा है कि हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री एसी कमरे में मीटिंग कर रहे थे, कोई उनके ड्रेस पर कमेंट कर रहा है, कोई वंदे भारत में हरी झंडी दिखाने को लेकर उन पर ताने कस रहा है। रेल हादसे का पूरा जिम्मेदार मोदी को बताया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर दो, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कुछ घंटे चुप थी, लेकिन अमेरिका से जैसे ही रेल हादसे पर राहुल ने मोदी पर मिसाइल छोड़ी, कांग्रेस ने पूरे आरोपों का फायर खोल दिया। और यही नहीं, मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का मौका बंगाल से दीदी और बिहार से तेजस्वी को भी मिल गया। दाल में कुछ काला है, मैं चाहती हूँ जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी, और जो सोच है वो छुपाने के लिए, अपन को बचाने के लिए आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको रेजिग्नेशन हम नहीं मांग रहे हैं, आप अच्छा से रहो, जब जनता ने आपको रेजिग्नेशन देंगे वोट का बारे में तब हम सोचेंगे, बताएंगे, पॉलिटिकल पार्टी तो कहेंगे उसको बात, मैंने तो नहीं कहा, आप तो अभी सच बताओ, सच क्या था, एक दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है? जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई, तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए था। इतना भीषण हादसा हो गया, सरकार हादसे की वजह तलाश रही है और विपक्ष मोदी को घेरने की वजह। लेकिन एक सवाल
हर किसी को परेशान कर रहा है। यह हादसा उसी वक्त क्यों हुआ जब कोरोमंडल और यशवंतपुर एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली थी, और कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी लूप लाइन पर क्यों गई जहां आयरन ओर से मालगाड़ी लदी थी। लोहे से लदी मालगाड़ी को कुछ नहीं हुआ, ट्रेन को इतना कुछ कैसे हो गया? क्या किसी ने साजिशन जानबूझकर लूप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को भेजा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसकी वजह है रेल मिनिस्ट्री के ये कुछ दावे। कोरोमंडल एक्सप्रेस में LHB कोच लगे थे। इसे जर्मनी के लिंक हॉफमैन बुश ने विकसित किया है। इन कोचेज की एक्सीडेंट सहने की जबरदस्त क्षमता होती है, नॉर्मल ट्रेन एक्सीडेंट में ज्यादा नुकसान नहीं होता। हमारी जो LHB कोचेज है उसकी ट्रेन है ये। LHB इज अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते। इसके कोचेज जो है वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो, तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। एक नहीं कई सवाल है, रेलवे की जाँच का इंतजार है, दोषियों की निशानदेही हो गई है, जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।